हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं टॉपिक नया, सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये एडवांस कैलकुलस का टॉपिक है, इसके अंदर कोई भी जो सीक्वेंस दे रखी है ना, उस सीक्वेंस हम इन्फाइनाइट सीरीज बनाते हैं और वो इन्फाइनाइट सीरीज की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है। अगर वो फाइनाइट आ रही है तो वो कन्वर्जेंट हो रही है, अगर वो इन्फाइनाइट आ रही है, प्लस इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट आ रही है तो वो डाइवर्जेंट होती है। और अगर बाई चांस उसकी वैल्यू यूनिक नहीं आ रही, मतलब फाइनाइट तो आ रही है बट वो यूनिक नहीं, कभी क्या वैल्यू आ रही कभी क्या वैल्यू आ रही, इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है। पर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमें कोई भी सीक्वेंस से मतलब कोई भी सीरीज दे रखी है, इन्फाइनाइट सीरीज दे रखी है, और उस इन्फाइनाइट सीरीज के बारे में हमें पता लगाना है कि ये जो इन्फाइनाइट सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी सीरीज है, तो वो हम यहाँ पे टेस्ट लगा के हम पता लगा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट सीरीज के इस वीडियोस के अंदर। तो मेरा जो आज पहला वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि जो सीरीज होती है, सीक्वेंस क्या कंसेप्ट है, सीरीज का क्या कंसेप्ट है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या है, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो क्या होता है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। सो ये मैं कुछ बेसिक्स आइडिया आपको बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उसमें जो सीरीज का कन्वर्जेंट होने का क्या क्राइटेरिया होता है, सो ये सब चीज़ें मैं आपके सामने स्टूडेंट डिस्कस करने वाला हूँ। और स्टूडेंट इससे पहले मेरे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आईआईटी चैंप पे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और गेट के लिए भी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आईटी 12 यहाँ पे जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहला ये सीक्वेंस वाला टॉपिक हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, जहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात होती है और वही हमारी सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स किसी न किसी फार्मूले को फॉलो कर रहा हो, राइट। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ कि 1 है, 2, 3, ये देखिए आप, है ना, यहाँ पे क्या होता जा रहा है, प्लस 1 ये एड होता जा रहा है ना, अब 2 कहाँ जा रहा है, ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो इस टाइप को इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे प्लस वन होता जा रहा, प्लस वन होता जा रहा। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, है ना, यहां मैं ले लूं 1/2, 1/4, 1/8, है ना, तो ये भी क्या आ रहा है, ये भी क्या है, हमारी एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है, इसमें अपन 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आया, 1/4 से 1/8 आया, सो दिस इज अ सीक्वेंस, राइट। अब बात आ रही है कि ये जो सीक्वेंस होती है ये कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है। तो स्टूडेंट देखिए आप, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, इसमें प्लस वन एड हो रहा है, क्लियर है। तो अभी इसमें जब भी एड होता जाएगा, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये कहां, इसका अगर हम सम करें तो वो वैल्यू इन्फाइनाइट होगी, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो ये जो सीक्वेंस होगी ये क्या होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि उसकी हम लिमिट, उसका जो सम है उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे, है ना, हम ये पता नहीं कर पा रहे कि इस सीक्वेंस का सम क्या होगा, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टूडेंट इसमें 1/2, 1/2 क्या होता जा रहा, एड होता जा रहा, और आप देख रहे ये 1/2 है तो ये छोटी टर्म है, उससे भी ये छोटी टर्म है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, है ना। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और अगर इस सीक्वेंस का हम सम करें तो यहां पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, फाइनाइट वैल्यू आती है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, क्लियर है। तो ये तो मैंने जस्ट आपको बेसिक आइडिया दिया कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता क्या है, क्लियर है। अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये तो मैंने सीक्वेंस बताई, अब सीरीज क्या होती है स्टूडेंट, इन्हीं का सम, राइट। कोई भी आपके पास सीक्वेंस दे रखी, ये तो एक मैंने आपको सिंपल सी बताई, और भी बहुत सारी सीक्वेंस हो सकती है जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा, कोई फार्मूला फॉलो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। उन सीक्वेंस के इनफाइनाइट सीरीज का सम, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई इन्फाइनाइट सीरीज है, लाइक मैं टर्म ले रहा हूं U1 + U2, है ना, अप टू कहां तक जा रहा है, ये इन्फाइनाइट है ना, तो इसका सम हम निकालते हैं, और इसका सम क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, इन्फाइनाइट आ रहा है, मतलब नॉट फाइनाइट इन्फाइनाइट, ये तो मैंने बात करी कि इस टाइप की जो सीरीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। अब इसकी एन टर्म, कितनी टर्म, एन टर्म, 1, 2, अप टू कहां तक जा रहा है, ये यूएन टर्म। अगर इसकी एन टर्म का जो सम है वो हम चेक करते हैं कि वो जो सम है वो क्या है, लाइक है ना, मैं आपको आके डेफिनेशन में बताऊंगा कि क्या कंसेप्ट है उसके पीछे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का क्या कंसेप्ट, पर मैं आपको बताने वाला हूं, बताना चाह रहा हूं कि जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस इस टाइप से होती है जो एक प्रॉपर फार्मूले को फॉलो करे, लाइक जैसे यहाँ प्लस वन हो रहा है, और भी हो सकती है लाइक 2, 4, 6, है ना, ये आप देख रहे हो 1/2, 1/4, 1/8, है ना, तो ये भी एक सीक्वेंस है। अभी सीक्वेंस के इन्फाइनाइट सीरीज, इन्फाइनाइट सीरीज क्या होती है, इनकी इन्फाइनाइट टर्म्स को आप ऐड कर दो, इसको बोलते हैं हम इन्फाइनाइट सीरीज। और इन्फाइनाइट सीरीज की जो फाइनाइट मतलब एन टर्म का जो सम होता है, इसमें हम दिमाग लगाते हैं कि जो एन टर्म का सम है वो कितना आ रहा है,
वो फाइनाइट आ रहा है या वो इनफाइनाइट आ रहा है या वो फाइनाइट तो आ रहा पर यूनिक नहीं आ रहा है, तो उस पर हम लोग डेफिनेशन डिसाइड करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। क्लियर है? तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इस टॉपिक का नाम ये भी है कि इनफाइनाइट सीरीज है ना, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज का मतलब ये होता है कि जो सीक्वेंस है उसके इनफाइनाइट टर्म का सम। क्लियर? वो हम चेक करते हैं कि भैया ये यहाँ पे कन्वर्जेंट मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है या फिर ऑसिल मतलब यूनिक नहीं है। क्लियर? सो स्टूडेंट देखिए आप, अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक समझाने वाला हूँ, जस्ट मैं आपके सामने क्योंकि डेफिनेशंस तो आप बुक में देख लीजिएगा पर जो टर्म यूज होने वाली है वो टर्म मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो एक टर्म यूज होती है वो होती है बाउंडेड सीक्वेंस है ना। सो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है स्टूडेंट है ना, यहाँ पे दो टाइप की इसके अंदर टर्म आती है, एक होती बाउंडेड बिलो और एक होती है बाउंडेड अबव। राइट है ना? तो बाउंडेड बिलो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो सीक्वेंस जिसका लोअर टर्म तो हमें पता है पर उसकी जो अपर टर्म है उसके बारे में मतलब जो अपर जैसे जैसे लाइक ये वाली सीक्वेंस है ना आप देख रहे हो लाइक है ना ये वाला वन है टू है थ्री है, तो स्टूडेंट आप देखते जा रहे हो है ना, तो आपको इसकी लोअर लिमिट तो पता है कि भैया जो भी टर्म आ रही है ना जितनी भी आगे वाली टर्म आ रही वो सब क्या है कि वन से बड़ी होगी है ना, लाइक टू इज ग्रेटर देन वन मतलब थ्री इज ग्रेटर देन वन और भी आगे जो भी टर्म आएगी लाइक लास्ट टर्म मान लो मैं इसकी एल तो ये क्या आएगा ये एल भी जो आएगा वो क्या होगा वन से बड़ा होगा। तो इसका जो लोअर है वो लोअर लिमिट तो आपको पता है कि भैया इसकी जो छोटी सबसे छोटी वैल्यू वो वन है पर इसकी जो अपर वैल्यू है कि ये कहां तक जाएगा वो हमें पता नहीं, तो सच टाइप ऑफ सिक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो। राइट? अब जैसे मैं आपके सामने एक और बुलाया कि लाइक वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई एट है ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये तो एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने यहाँ पे बाउंडेड बिलो के लिए। सो बाउंडेड बिलो के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ये नहीं लेके बाउंडेड बिलो के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट। सो बाउंडेड बिलो के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो बाउंडेड अबव की बात कर रहा हूँ बाउंडेड अबव में एक एग्जांपल लेते हैं एस एन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर फॉर एन बिलोंग्स टू एन। राइट? अब मैं इसकी सिक्वेंस की बात करूँ स्टूडेंट तो सिक्वेंस क्या आएगी यहाँ पे अगर हम इसकी सीक्वेंस की बात करें तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर अब चलता जाएगा ऐसे। ठीक है? तो आप देख रहे हो माइनस वन का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करती आएगा माइनस वन माइनस फोर माइनस नाइन ऐसा आता जाएगा है ना। तो इसकी जो अपर लिमिट है भैया ये जो माइनस वन है ये क्या है आगे जितनी भी टर्म आएगी वो माइनस वन से क्या होगी छोटी होगी। राइट? जस्ट लाइक माइनस फोर क्या है माइनस वन से क्या है छोटा है माइनस नाइन भी क्या है माइनस वन से छोटा है। तो ये इसका जो अबव है मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो पता है कि माइनस वन है पर इसका लोअर वाला पार्ट हमें पता नहीं है क्योंकि ये लोअर तो बहुत माइनस इनफाइनाइट तक ये सीरीज क्या होगी चली जाएगी। तो इस टाइप की जो सिक्वेंस होती है वो हमारी क्या होती है बाउंडेड अबव होती है। राइट? और अगर कोई सिक्वेंस बाउंडेड अबव भी है ना अबव एंड बाउंडेड बिलो तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है ना वो क्या होती है सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है ना? तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है बाउंडेड सीक्वेंस होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं लाइक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं ये वाला है ना एस एन इज इक्वल टू ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने एस एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन। ठीक है? इस सीक्वेंस को इस तरह से हम डिनोट करते हैं है ना तो आप थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख दें है ना। तो यहाँ पे जो एस एन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो ये आएगा वन वन बाई टू वन बाई थ्री है ना। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट ये लास्ट तक आप जाओगे लास्ट में वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी ये जीरो तक जाएगी। तो स्टूडेंट इसका जो अपर है वो ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी क्योंकि इसका लोअर क्या है जीरो तक जाएगा और अपर कहां तक जाएगा मतलब इसका अपर पार्ट कितना है वन है और लोअर पार्ट कितना है जीरो इस सीक्वेंस का। तो सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। अब कभी कभी यहां पे ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ सीक्वेंस तो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा स्टूडेंट जैसे अगर मैं आपके सामने इसकी रेंज बोलूं है ना तो इसकी रेंज कितनी होगी ये कहां तक जा रहा है जीरो तक जा रहा है और मैक्सिमम कितना है मैक्सिमम वन है और लोअर क्या है जीरो है। तो सच टाइप इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा जीरो से वन होगा। तो
रेंज के बारे में भी यहाँ पे बात करी जाती है। अब स्टूडेंट आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बाउंडेड वाली बात क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि सिक्वेंस का जो कनेक्शन है वो बाउंडेडनेस से भी है ना। कोई भी सिक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट है तो 100% वो बाउंडेड होगी होगी, है ना। पर अगर कोई सिक्वेंस बाउंडेड है और उसके बारे में कन्वर्जेंसी की बात करी जाती है तो जरूरी नहीं कि वो सिक्वेंस कन्वर्जेंट होगी नहीं। लाइक मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ ना कि SN इज इक्वल टू हम बात करें -1 power n, है ना। तो ये जो सिक्वेंस होगी ये सिक्वेंस कैसी होगी स्टूडेंट, है ना। हम बात करें -1 1 -1 1, तो देखो यहाँ पे भी ये जो सीक्वेंस है इसका आप देख रहे होगे इसका जो ये बाउंडेड अबव भी और बाउंडेड बिलो भी है। पर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे -1 और +1 ये ऑसिलेट कर रही है सीक्वेंस। तो मैं बताऊंगा ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। जस्ट मैं आपके सामने बता रहा था यहाँ पे कि बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव और बाउंडेड का कंसेप्ट क्या होता है। अब बात करूंगा मैं स्टूडेंट यहाँ पे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे कन्वर्जेंसी की कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होते हैं। स्टूडेंट ये 12th क्लास का कंसेप्ट है और आपको सब पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्या होता है, पर फिर भी मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ कि कोई भी जो सिक्वेंस है लाइक 1 2 3, है ना, ये कोई सिक्वेंस है तो हम जान रहे हैं कि भैया इसकी जो वैल्यू है +1 +1 ऐड होती जाएगी और नॉर्मली कहाँ तक जाएगी, इन्फाइनाइट तक जाएगी। तो सच टाइप ऑफ सिक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सिक्वेंस। अगर मैं आपके सामने बोलूँ इसको उल्टा कर दूँ 1 1/2 1/3, तो इस टाइप की जो सिक्वेंस होती है वो क्या होती है, डिक्रीजिंग सिक्वेंस होती है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही कम होती जा रही है। सो सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कांसेप्ट है ना। अब ये जहां भी यूज आएगा मैं आपको और थोड़ा सा बेसिक लेके चलूंगा। अब स्टूडेंट बात आती है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। तो स्टूडेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, अगर कोई भी सीक्वेंस आपको इस टाइप की दे रखी है ना, तो उसका जो एन टर्म का जो वैल्यू है ना, मतलब उसकी जो एन टर्म है वो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है या फिर यूनिक आ रही, मतलब फाइनाइट और यूनिक आनी चाहिए, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। अगर हम बात करें कि कोई भी सीक्वेंस का जो एन टर्म है वो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट पे उसका जो एन टर्म की जो वैल्यू है अगर वो प्लस का इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और अगर बाई चांस यहाँ पे एन टर्म की जो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट UN लेंगे और अगर वो नॉट यूनिक आ रहा है, मतलब वैल्यू तो आएगी बट कभी कुछ और आएगी कभी कुछ और आएगी, मतलब यूनिक नहीं आएगी, तो सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और मैं आपके सामने एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे हम सीक्वेंस निकालते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी अगर आपको सीक्वेंस का कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है तो, या सीरीज की बात है ना, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज का कंसेप्ट में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, सबके सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या मैं अभी सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, इसी को मैं सीरीज की बात में समझा दूंगा। लाइक हम इसका जो एन टर्म निकालेंगे वो कितना आएगा स्टूडेंट, ये 1 है ना, तो मैं इसको U1 लिख लेता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट कम टर्म क्या आएगी, N आएगी, और स्टूडेंट ये इससे एक ज़्यादा है तो ये क्या आएगा मेरा N+1 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट N टेंस टू इन्फिनिटिव UN की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट N टेंस टू इन्फिनिटिव N/(n+1)। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, लिमिट तो आपको 11th क्लास का कंसेप्ट है, मुझे पता है आपको पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ n कॉमन निकालेंगे तो ये n बाहर आएगा, तो ये आएगा 1/(1)। यहाँ भी n बाहर निकालेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 1/(1)/n, और ये n से n कैंसिल, और यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, फाइनाइट आ रही, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, है ना, UN इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये जो सीरीज है ये क्या है यहाँ पे कन्वर्जेंट है ना। अब इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है 1 2, अब बढ़ता जा रहा है तो स्टूडेंट ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका जो एन टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एन टर्म की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये एन टर्म आएगा तो एन टर्म तो स्टूडेंट यहाँ पे एन ही आएगी, राइट। तो आप क्या करोगे, लिमिट इसका जो एन टर्म आएगा वो एन आएगा, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, है ना, UN इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ एन हो जाएगा, हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो ये हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब बात आ रही कि कन्वर्जेंट सीरीज, है ना। अब सीरीज का कंसेप्ट क्या होता है, लाइक अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने अगर यूं बोल दिया जाए 1+2+3, है ना, आपसे पूछे कि इस दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, UN मतलब UN निकालेंगे, वो n टर्म का सम निकालेंगे, है ना। तो इसकी जो n टर्म का सम आएगा, मतलब n टर्म निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 1+2+3 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये n, और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, n(n+1)/2, हम जानते हैं इसका जो सम का फार्मूला होता है वो ये होता है। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN की जो वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n(n+1)/2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी। तो ये भी यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो कंसेप्ट होता है, एक होता है
कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ऑफ सिक्वेंस और एक होता है सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, आपको उसकी एन टर्म का सम निकालना। लाइक ये भी जैसे इसकी बात करें तो अब अगर इसकी सीरीज की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम इसको प्लस करके, लाइक अगर इसको इसकी सीरीज की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे इसकी एन टर्म का सम लेंगे, राइट। ये वन है, ये क्या आएगा यहाँ पे 2/3 आएगा, है ना। अब टू कहाँ तक जाएगा, ये एन टर्म तक जाएगा ना। तो इसकी जो एन टर्म आएगी वो उठा के यहाँ रखेंगे एन इंटू एन प्लस वन, और इसका हम इसका जो सम होगा उसको हम लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट पे चेक करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है या नहीं है, राइट। अब एक और बात करते हैं, लाइक ये सिक्वेंस दे रखी है, आपको ये पता लगाना है कि भैया ये जो सिक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो वैसे यहाँ पता पड़ रहा है कि अगर हम बात करें कि जब n यहाँ पे इवन है तब इसकी वैल्यू वन, ओड है तब इसकी वैल्यू वन आ रही है, और जब ये इवन है तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आ रही, तो ये वैसे क्या है, ऑसिलेटरी सिक्वेंस है। पर अब बात आ रही ऑसिलेटरी सिक्वेंस है, अगर बाई चांस इसके सम की बात करी जाए ना, आपसे ये पूछे कि वन माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, इस सबसे पूछे है ना, तो ये इनफाइनाइट सीरीज है ना। आपको इसका सम पूछे कि भैया इसका सम होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा या फिर ऑसिलेटरी होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वही एन टर्म की बात करेंगे, तो वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन है ना, ऐसे चलता जाएगा अप टू कहाँ तक जाएगा, एन टर्म तक जाएगा, है ना, एन टर्म तक, है ना, है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका यू एन की, है ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वन होगा If n is odd, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। देखो अगर n odd है, odd मतलब क्या होगा, या तो ये अकेला या फिर ये तीन, इन तीनों को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट यहाँ कितना आएगा, ये वन आएगा, है ना। Now limit n tends to infinity un की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। कैसे जीरो होगी, If n is क्या होगा यहाँ पे, even। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर बाई चांस मैं दो टर्म की बात करूँ तो इन दोनों टर्म का जो सम आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं चार टर्म की बात करूँ तो उसका सम भी क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो आएगा। तो सच टाइप इसकी जो लिमिट आ रही है वो यहाँ पे क्या आ रही है, इवन के लिए लगा रही है और ऑड के लिए लगा रही है। इसलिए जो सिक्वेंस होती है क्या होती है, ऑसिलेटरी सिक्वेंस होती है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन पे ये क्या आ रहा है, फाइनाइट नहीं आ रहा है, मतलब यूनिक नहीं आ रहा है, राइट। तो एक लास्ट और एक टेस्ट होता है, और वो जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उस पर एक टेस्ट होता है, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, उस पर मैं एक एग्जांपल लूंगा, फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक लास्ट कंसेप्ट और है, एक थ्योरम होती है, वो ये होती है जो भी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उस पर बेस्ड कंसेप्ट है, कि कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज वन वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है, इनफाइनाइट सीरीज है। अगर इस सीरीज के अंदर जो आर की वैल्यू है ना, मतलब मोड आर इन द सेंस पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो वो आर की वैल्यू अगर वन से छोटी है तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, लेस देन वन होगी तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर आर की वैल्यू वन और वन से बड़ी है तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, और अगर बाई चांस आर की वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो उस केस में यहाँ पे क्या होती है, सिक्वेंस ऑसिलेटरी सिक्वेंसिंग होती है, ऑसिलेटिंग सिक्वेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट, है ना, ये कोई सिक्वेंस है आपके पास वन वन बाई टू वन बाई फोर, तो ये देखो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्लियर है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन बाई टू से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अगर इसके हम कॉमन रेशियो की बात करें तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, ये वन बाई टू आ रहा है ना, इसमें वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया है, इसमें वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया है ना। तो आप देख रहे हो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज में आर की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रही है, वन से छोटी हो रही है, इसलिए ये जो सीरीज होगी ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूँ, वन माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर है ना, माइनस ये फिर वन बाई थ्री का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, राइट, है ना। तो अब देख रहे हो ये भी क्या एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और यहाँ पे आर की जो वैल्यू वो माइनस वन बाई थ्री है, क्यों। अब आप ये तो इलेवंथ क्लास का कंसेप्ट है कि कैसे हम निकालते हैं ना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, है ना, तो उससे हम आर निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हो आर की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आ रही, विच इज अगर हम इसकी मोड की वैल्यू दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ले, है ना, तो कितना आएगा माइनस वन बाई थ्री, और हम जानते हैं ये भी एक से क्या आ रहा है स्टूडेंट, छोटा आ रहा है, तो इस वाले केस में भी ये सीरीज क्या होगी यहाँ पे, कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो आपको अगर बाई चांस किसी भी ज्योमेट्रिक जो सीरीज है उसका अगर कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी, तो हम क्या करेंगे, उसका आर निकालेंगे। अगर आर की वैल्यू एक से छोटी है तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, अगर आर की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है, तो वो क्या होती है, डाइवर्जेंट। लाइक मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, ये दे लेना टू है, फोर है ना, ये एट है, तो स्टूडेंट ये सीरीज होगी ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि इसका जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टू होगी, विच इज ग्रेटर देन वन है, सो दिस सिक्वेंस इज डाइवर्जेंट, राइट। अगर मैं आपके सामने एक और बोलूं कि टू है, देन यहाँ पे क्या होगा, नॉट टू ले आप, वन बाई टू ले लें, फिर माइनस वन बाई प्लस वन प्लस माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे नॉट वन बाई टू, आर की वैल्यू माइनस वन से छोटी, माइनस वन से छोटी मतलब आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे माइनस का टू प्लस
माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का क्यूब, इस टाइप की सीरीज की बात करें, है ना। तो अब ये जो सीरीज होती है ये भी क्या होगी हमारी ज्योमेट्रिक, क्योंकि आर यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, माइनस टू आ रहा है ना, तो माइनस टू आ रहा है, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है स्टूडेंट, माइनस वन से छोटी आ रही है, तो इसलिए ये सीरीज क्या होगी, ऑसिलेटिंग सिक्वेंस होगी, ऑसिलेटिंग सीरीज होगी, ऑसिलेट करेगी, राइट। इसकी जो लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट यूनिक नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आप जो आपको समझाया वो इन्फाइनाइट सीरीज के बारे में बताया कि इन्फाइनाइट जो सीरीज होती है उसका सिक्वेंस जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटिंग सीरीज है, और इसके बारे में मैंने आपको बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो का जस्ट बेसिक कंसेप्ट समझाया। सो स्टूडेंट मैं आपके जो टेस्ट है वो अब स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ये पता करते हैं कि जो सीरीज है वो क्या है यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसमें मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेने वाला हूँ वो है कंपैरिजन टेस्ट, और उसके बाद फिर आगे जो भी हमारी सीरीज होगी वो फॉलो होगी। तो आप मेरे जो चैनल है इस पर आप बने रहिए, और आगे मैं आपके सामने जो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। और स्टूडेंट मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे होंगे, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे की जो नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।